अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामिया शहजाद है। बेसिकली मैं वेटलिफ्टिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो फादर वो ओलंपियन थे और उन्हें 1976 में ओलंपिक्स में मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल। तो उसके बाद 2013 में जो है फर्स्ट वुमेन नेशनल हुई, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो मुझे शौक पैदा हुआ कि नहीं, मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। बेसिकली ये मेरी ब्लड गेम भी कहलाती है वेटलिफ्टिंग। सो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, मैंने नेपाल में इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस दिया साउथ एशियन गेम्स में, उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। और पाकिस्तान की मैं फर्स्ट वुमेन जिसने इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लिया इन हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वेटलिफ्टिंग की हिस्ट्री में। उसके बाद जितने भी नेशनल लेवल्स पर यहाँ पर पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन हुए उनमें मैं हॉल रिकॉर्डर हूँ, 55 कैटेगरी में और 59 कैटेगरी में। ट्रेनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है, जो ऑन कंपटीशन डे जो होता है वो अलग होता है। वैसे मैंने ट्रेनिंग में जो है 85 क्लीन एंड जर्क की है और 70 स्नैच की है। हम लोग के जो कोच हैं वकास अकबर और वैस अकबर, हम लोग को डाइट प्लान अपना सेट करके देते हैं, जिसमें हम लोग मीट, बीफ, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें हम लोग विटामिंस वगैरह सेट करके देते हैं। और हम लोग का समटाइम ऐसा होता है कि जब ट्रेनिंग के 2 सेशंस होते हैं इवनिंग और मॉर्निंग में, तो हम लोग का जो डाइट प्लान है उसके हिसाब से सेट किया जाता है। हर चीज़ के लिए जो आप देख रहे हैं, अभी हम वेटलिफ्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ट्रेनिंग होती है। आपको ट्रेनिंग में इन रहना पड़ता है। जो आप बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, जो क्लीन एंड जर्क होती है। आप देख रहे होंगे एक स्नैच इवेंट होता है, क्लीन इवेंट होता है, उसके लिए हम अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, जिसमें हम लोग अपनी पावर और बेंच प्रेस, स्क्वाट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें डिवेल्प होती है। उसके बाद हमारा स्टेमिना बनता है, जिसमें हम लोग क्लीन एंड जर्क करते हैं और स्नैच करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर नवंबर 5 में, ये 5 नवंबर को हम लोग का कंपटीशन हुआ है, नेशनल चैंपियनशिप हुई है, 5th वुमेन वेटलिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप। उसमें मेरा बेटा जो था वो 9 माह का था, उसके आफ्टर डिलीवरी जो है मैंने अपना कंपटीशन जो है कम्पीट किया और अल्लाह ताला ने मुझे फिर से इज्जत दी। हस्बैंड जो है वो मेरी यानी कि फैमिली मैरिज है, फैमिली में मेरी शादी हुई है, खाला घर। वो जो अभी आप मुझे देख रहे हैं इतना, यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है, ये बेसिकली मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से है, मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से, मेरी अम्मी की सपोर्ट की वजह से। अभी छोटा सा बच्चा, जब भी मैं ट्रेनिंग करने आई हूँ, उसको घर छोड़ के आई हूँ, वो अम्मी ही संभाल रही हूँ उनको, तो ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए, नो डाउट। पहले का दौर अब दौर में बहुत फ़र्क है, माशाल्लाह बहुत सारी जो हैं वो वुमेन जो हैं वो अपने मैदान में आ रही हैं, अपने आप को मनवा रही हैं और मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। औरतों के लिए यही मैसेज है, माशाल्लाह जिस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल स्टॉप नहीं करना, क्योंकि हम ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हमने ही अपने नस्ल को आगे चलाना है, हमने अपनी मैसेज देना है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएंगे और स्ट्रॉन्ग हैं।